हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज रसकदम बनाते हैं। ये बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई है, तो उसके लिए हमने एक बर्तन लिया है और ये हाफ लीटर दूध लिया है। दूध को उबालना है, एक उबाल आ जाए फिर बंद करके इसको विनेगर डाल इसे फाड़ लेना और छेना बना लेना है। ये हाफ लीटर दूध है, इसको मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ और एक उबाल आने के बाद इसको बंद कर दूंगी। ये पैन लिया है मैंने, इसको गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पोस्ता दाना डाल करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हल्का इसको रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये पोस्ता खसखस भी थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, अभी इसको बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में रोस्ट कर लेना है। ये रोस्ट हो चुका है, अभी गैस में बंद कर दिया। एक उबाल आ गया, दूध को मैंने बंद कर दिया, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, 2 मिनट रुक करके उसके बाद इसका छेना बना लेंगे विनेगर और पानी डालकर। 2 टीस्पून मैंने इसमें विनेगर लिया है और इसी के अंदर 2 टीस्पून वाटर मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध के अंदर में डालेंगे और दूध का छेना बना लेंगे। इसको हल्का हल्का मिक्स करना है। दूध देखिए अच्छे से फट गया है, छेना एक साइड हो गया है और पानी एक साइड हो गया है। अभी इसी के अंदर में हम नॉर्मल पानी डाल देंगे और छेने को छान लेंगे। छन्नी के ऊपर कपड़ा रख करके ये सारा छेना इसके अंदर में डाल देंगे। थोड़ा सा और नॉर्मल पानी डाल करके इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका जो खट्टापन है विनेगर का वो सब निकल जाए। ये मैंने धो दिया अच्छे से, अभी इसको हल्के हाथ से दबा करके इसका पानी निचोड़ लेंगे हम। और ऐसी छन्नी के ऊपर मैंने छेना को रख दिया है और ऊपर से ये थोड़ा वेट डाल करके 15 से 20 मिनट तक मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। छेने को मैंने कपड़े से निकाल लिया, अभी इसको हाथ से मैश करके इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये अच्छे से मैश हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें हम 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया और 1/2 का 1/2 सूजी डाल दिया, थोड़ा सा 1 इंच से भी कम बेकिंग सोडा और 1 पिंच बेकिंग पाउडर, ये डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है, 1 ड्रॉप डाल दूंगी मैं इसमें। सभी चीज को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें, अभी इसका छोटा छोटा बाउल बना लेंगे। और मैंने शुगर सिरप बनने के लिए रख दिया है, 1 कप चीनी लिया है, उसी कप से 2 कप पानी डाल करके पतला चाशनी बनाना है और उसी के अंदर में ये रसगुल्ला बना बना करके डाल देंगे हम। ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है रसगुल्ला बनाने के लिए, बिल्कुल छोटा छोटा सा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है ज़्यादा। ये देखिए इतना छोटा छोटा बना लेना है सभी को।
इसी तरह से सभी को राउंड राउंड बना लेना है। और ये पानी और चीनी जो हमने डाला था ये अच्छे से उबाल आ गया है इसके अंदर में। अभी हम धीरे धीरे करके ये सभी बॉल्स को अंदर में डाल देंगे। 5 मिनट के लिए हमें फुल फ्लेम में पकाना है। इस तरह से ढक्कन डाल करके हल्का सा खुला हुआ छोड़ देंगे ताकि स्टीम बाहर आता रहे। बिल्कुल पैक नहीं करना है, नहीं तो जितना भी रसगुल्ला है वो पूरा फैल जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हम इसे फुल फ्लेम में पकने देते हैं। 5 मिनट हो गया है, चलिए खोल करके देखते हैं कैसा बना है रसगुल्ला। ये देखिए बड़ा बड़ा हो गया है, ये बहुत ही फूल गया। अभी गैस को कम कर देंगे और सेम प्रोसेस में जैसे थोड़ा सा ढक्कन खोल करके हमने रखा था उसी तरह से फिर से इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद फिर गैस बंद कर देंगे। गैस को बिल्कुल ही कम कर देना है। इसको 2 मिनट और पकने देते हैं। इस पर 2 मिनट हो चुका है, अभी इसको खोल करके देखते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गया है और नीचे जा करके बैठ गया। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये रसकदम बनाने के लिए रसगुल्ला भी तैयार हो गया है। मैं इसको शुगर सिरप से निकाल ली हूँ और अच्छे से ठंडा हो गया है। रसकदम बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, खोआ है ये। इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे इसको। ये मिल्क पाउडर है, मैं 3 टीस्पून डाल दे रही हूँ इसमें। ये शुगर पाउडर है, ये 2 टीस्पून डाल दे रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इनमें स्मूथ डो जैसा बना लेंगे। इसी के अंदर थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया, ये डो रेडी हो गया है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। ये मावा जो मैंने दूध और शुगर पाउडर मिक्स करके रखा था वो ले लेती हूँ। और थोड़ा सा घी ले लेंगे एक बाउल में। ये 1 टीस्पून मैंने घी ले लिया है, बस थोड़ा सा हाथ में लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह करके हम ऐसे हाथ में फैला लेंगे। और एक ये रसगुल्ला इसको उठा करके इसके बीच में सेंटर में डाल देंगे और वापस से हम इसको एक राउंड शेप में बना लेंगे। ये जो खसखस हमने रोस्ट करके रखा था पोस्ता का दाना, उसके अंदर में डाल करके अच्छे से पूरे में इसको कोट कर लेना है। ये देखिए रेडी हो गया है रसकदम। ये देखिए एक को मैंने कट किया है, कितना अच्छा लग रहा है। ये सभी रसकदम रेडी हो गया है।